Now, अब मैं बात करूंगा सपोज एट दिस पॉइंट ओनली अगर मैं इंजन की डायरेक्शंस को चेंज करता हूं अभी इंजन की डायरेक्शन क्या है अहेड डायरेक्शन क्लोकवाइज डायरेक्शन अब मैं इंजन की डायरेक्शन को चेंज करता हूं दैट इज एस्टर्न डायरेक्शन दैट इज एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन क्लियर तो अब तो so महामाराथन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स चाहे वो प्लेसमेंट की जंग या एग्जाम की वार वारेली लाया है हथियार हेलो इंजीनियरिंग दिस इज विकास कुमार वेलकम टू सी कक्षा, Hello, कक्षा सी रेली. सी रेली लाया है महामैराथन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स फर्स्ट हैलो हेलो एवरीवन दिस इज विकास कुमार वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑन महामैरा इंटरनल कंबस इंजन लेक्चर सीरीज तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लोस्ट मोशन तो व्हाट इज लोस्ट मोशन तो मैं आज इस टॉपिक पर बात करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी एक सिंपल डेफिनेशन आपको बताता हूं फिर उसके बाद मैं यहां पर पूरी जो मैंने डायग्राम बनाया है एंड जो मैंने राइटिंग आपको प्रोवाइड किए है ये पूरी कॉन्सेप्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लोस्ट मोशन द एडजस्टमेंट इन द कैम रिलेटिव टू क्रैंक नीडेड टू बी डन व्हेन इंजन चेंजेज इट्स रोटेशन और डायरेक्शन दैट इज अहेड और एस्टर्न जब आपकी मैनवरिंग टाइम होता है जब कर रहा होता है तो वहां पर आप देखते हो कभी अहेड किस्टर्न किक लग रही होती है ऑलरेडी आप यह महामैराथन सेशन देख रहे हो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपकी प्लेसमेंट होगी अगर आपने सारे लेक्चर्स की नोट्स बनाया है सारे अच्छे से सा प्रिपरेशन किया है आप अगर मॉक इंटरव्यू में रेगुलर हमारे साथ आ रहे हो तो आपकी प्लेसमेंट्स होगी नो no डाउट तो जब प्लेसमेंट हो जाएगी जब सिप पे जाओगे तो आप एक टर्म सुनोगे फ्रिक्वेंटली यूज टर्म दैट इज मैं तो जब होती है तो सिप क्या होता है एहेड की ओर जाती है एस्टर्न की ओर जाती है ठीक है एहेड मीन्स क्लोकवाइज एस्टर्न मीन्स एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन क्लियर तो सिप की मूवमेंट एहेड होगी सिप की मूवमेंट एस्टर्न होगी तो जब भी सिप की मूवमेंट चेंज होती है तो मुझे एडजस्ट करनी होती है री एडजस्ट करनी होती है क्या कैम रिलेटिव टू क्रैंकॉफ्ट तो अगेन इस डेफिनेशन पे हम बात करेंगे अब मैं ये पूरी लेक्चर्स पर आता हूं जो मैंने ड्राइंग ड्रॉ draw की है इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो मैंने यहां तीन कैम प्रोफाइल आपको शो किया है. तो ये जो आप अपर पार्ट पे देख रहे हो दैट इज फ्लोअर पिक ऑफ द कैम बेस ऑफ द कैम फ्लोअर पिक ऑफ द कैम बेस ऑफ द कैम फॉलोअर दिस स्मोल सर्किट अगेन फोलोअर पिक ऑफ द कैम्प एंड दिस इज द कैम्प क्लियर नाउ कम टू आवर टॉपिक तो अगेन लोस्ट मोशन अब लोस्ट मोशन को मैं डिफाइन करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म बता देना चाहूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा जो टू स्ट्रोक इंजन है तो जो भी टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है जब भी पिस्टन अरेंजमेंट होता है तो पिस्टन जब भी टीडीसी को रीच कर रहा होता है तो वहां पर हमारा कंबस होता है फायरिंग टेक्स प्लेसेस क्लियर तो मैंने यहां पर लिखा है एट टीडीसी फ्यूल इंजेक्शन कंटिन्यू तो जैसे जैसे पिस्टन टीडीसी को रीच करता है मैं बोल सकता हूं टेन डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर फ्यूल इंजेक्शन बिगिन होती है और मैं उसे बोलूंगा बिगिनिंग ऑफ फ्यूल इंजेक्शन क्लियर तो क्या होता है पिस्टन जो हो रहा है धीरे 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 टीडीसी पे रीच कर रहा है तो टेन डिग्री बिफोर टीडीसी वहां फ्यूल इंजेक्शन इंजेक्ट होना स्टार्ट होता है अब ये डिपेंड नहीं करता है विच डायरेक्शन आइदर इट इज क्लोकवाइज डायरेक्शन आइदर इट इज एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन अगर क्लोकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन है पिस्टन को टॉप पे जाना है वहां पर फ्यूल इंजेक्शन होगी इससे कोई मैटर नहीं करता आपकी इंजन की डायरेक्शन अहेड है या एस्टर्न है क्लोकवाइज मीन्स क्लोकवाइज मीन्स अहेड एंटी क्लोकवाइज मीन्स एस्टर्न ओके बट ऑलवेज रिमेंबर कोई भी कंडीशन सो फ्यूल इंजेक्ट होना ही है जब पिस्टन टॉप पे रीच कर रही होती है तो और फ्यूल इंजेक्शन बिगनिंग ऑफ फ्यूल इंजेक्शन कहां से स्टार्ट होती है टेन डिग्री बिफोर टीडीसी फिर टेन डिग्री बिफोर टीडीसी को जाती है पिस्टन टॉप पर रीच करती है अगेन वो क्या होता है रिटार्ड होता है इट्स गोइंग डाउन तब भी फ्यूल इंजेक्ट होती है मार्क माई वर्ड सो टेन डिग्री आफ्टर टीडीसी

टेन डिग्री आफ्टर टी डी सी फ्यूल इंजेक्शन कंटिन्यूज दिस मीन्स फ्यूल इंजेक्शन पंप प्लजर मस्ट बी मूविंग अप अगर फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है राइजिंग फ्रॉम द पिक ऑफ द कैम क्लियर तो अगेन इस पॉइंट पर मैं आता हूं सी तो मेरी बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या थी बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर इंजन की रोटेशन क्लॉकवाइज है इंजन की रोटेशन क्लॉकवाइज है मींस अहेड डायरेक्शन इंजन की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है दैट इज एस्टन डायरेक्शन अगर पिस्टन की मूवमेंट टॉप डेड सेंटर की तरफ है और बिफोर टॉप डेड सेंटर 10 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर टू 10 डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर फ्यूल इंजेक्ट होगी इट डजंट मैटर कि इंजन की डायरेक्शन अहेड है या इंजन की डायरेक्शन एस्टर्न है तो ये सबसे पहले तो फंडामेंटल्स आप क्लियर रखो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने एक कैम प्रोफाइल बनाया है और मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया था ये पीक है ये फॉलोअर है क्लियर तो सपोज अब मैं यहां पर कॉन्सेप्ट पर आता हूं लोस्ट मोशन थ्योरी पर आता हूं सबसे पहले आप देखो ये इंजन की डायरेक्शन किस कहां है इंजन की डायरेक्शन क्लोकवाइज है दैट इज हेड डायरेक्शन फर्स्ट केस जो मैंने लिया है दैट इज अड डायरेक्शन इंजिन की डायरेक्शन क्लोकवाइज मूवमेंट है तो आप मुझे बताओ तो क्लोकवाइज मूवमेंट है तो आप देखो जो फ्लोअर है मैं बोल सकता हूं फलोअर है वो क्या कर रहे धीरे 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 कैम की पीक की तरफ राइज हो रहा है धीरे धीरे जैसे इसकी मूवमेंट ऐसे हो रही है ना क्लोकवाइज है मूवमेंट क्लोकवाइज है अगर ये क्लोकवाइज मूवमेंट होगी तो फॉलोअर क्या होगा धीरे 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 कैम के पिक पोजिशन पर वो अपनी पोजिशन खुद का एलोकेट करेगी तो इस पोजिशन पर मैं बोल सकता हूं जो अभी इस पोजिशन पर फॉलोअर जिस पोजिशन पे है, यहां पर मैं बोलूंगा बिगिनिंग ऑफ फ्यूल इंजेक्शन तो ये मेरी टर्म में बोलूंगा ये जिस पोजिशन पे इसे मैं बोलूंगा बिगिनिंग ऑफ फ्यूल इंजेक्शन ना अब मैं बात करूंगा सपोज एट दिस पॉइंट ओनली अगर मैं इंजन की डायरेक्शन को चेंज करता हूं अभी इंजन की डायरेक्शन क्या है अहेड डायरेक्शन क्लोकवाइज डायरेक्शन अब मैं इंजन की डायरेक्शन को चेंज करता हूं दैट इज एस्टर्न डायरेक्शन दैट इज एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन क्लियर तो आप देखो यहां पर मैं एक एस्टर्न डायरेक्शंस यहां पर बनाया हूं तो स... अब मैं बात करूंगा महामैराथन मरीन इंजीनियरिंग सेशन किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है किन स्टूडेंट्स के लिए एक ब्रह्मास्त्र है सबसे पहले मैं बताऊंगा बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ब्रह्मास्त्र है अगर बीटेक में आप मरीन इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपकी ड्रीम शिपिंग कंपनीज को ज्वाइन करनी है तो ये कोर्स स्टूडेंट्स के लिए सेकंड जीएमई जीएमई की कर रहे स्टूडेंट के लिए कोर्स अदर सेलिंग मरीन इंजीनियर्स के लिए भी यह कोर्स डिजाइन की गई है अब मैं आता हूं इसकी फीचर्स पर मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था महामराथन मरीन इंजीनियरिंग सेशंस में 150 लेक्चर्स फाइव प्लस टेस्ट कंडक्ट की गई है एंड सीरीज कंडक्ट की गई है अब मैं इसकी बेसिक्स फीचर्स पे आता हूं तो हम लोगों ने आपको बेसिक्स बेसिक्स लाइक फ्लूड मैकेनिक्स एंड वहां पर फ्लूड मैकेनिक्स की सिर्फ थ्योरी डिस्कस नहीं की गई है फ्लूड मैकेनिक्स की एप्लीकेशंस डिस्कस गई है like की गई ऑन बोर्ड शिप में लाइक इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी की एप्लीकेशंस क्या है ऑन बोर्ड शिप में एंड डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिक्स में उनकी रियल बेस्ट एप्लीकेशन पर हम लोगों ने डिस्कस किया है तो बहुत ही बेसिक्स गई है टू एडवांस लेवल फ्लूड मैकेनिक्स देन आईसी इंजन मरीन इंटरनल कंबी इंजन ऑक्सिलरी मशीनरीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी मशीनरीज ऑन बोर्ड शिप्स पर हम लोगों ने बात किया है नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल्स नाउ वर्ड इज फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होते हैं इलेक्ट्रिकल्स थोरी एंड मशीनरीज पे इलेक्ट्रिकल पे हम लोगों ने डील किया है नेक्स्ट थिंग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू लाइक फायर फाइटिंग एंड प्रिवेंशन सिस्टम पी एच टी पी एस सी आरवी से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फायर फाइटिंग सिस्टम से वेरियस टाइप ऑफ फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम एक्सटिंग डिटेक्टर्स ये सारे लेक्चर्स कवर की गई हैं एंड नेक्स्ट थिंग इज सिंस्ट्रक्शन एंड नेविटेक्चर की फ्यू टर्मिनोलॉजी फ्रीक्वेंटली हम लोगों ने बात किया है एंड एट लास्ट मटेरियल साइंस पर भी कुछ टर्मिनोलॉजी पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है अब मैं आता हूं सेकेंड पार्ट ये फर्स्ट पार्ट थी महामारथन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स की जहां पर अगर आपने अच्छे से स्टडी की खुद की नोट्स बनाई एंड रिवाइज किया तो मैं आपको स्योरिटी दे सकता हूं कि आपकी प्लेसमेंट होगी नो no डाउट यह हर इंजीनियरिंग एस्पेरेंट्स, जिनकी ड्रीम शिपिंग कंपनी को ज्वाइन करने की है उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र है अब मैं आता हूं मिसलिनियस सीरीज पे मिसलिनियस सीरीज में हम लोगों ने प्रैक्टिकल वेस्ट थ्योरी एप्लीकेशंस पर बातें की है प्रैक्टिकल वेस्ट मींस यहां पर सबसे पहले आपको समझनी होगी जब आप सिप ज्वाइन करोगे तो आपकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी एक फ्रेशर जूनियर इंजीनियर टी और फ्रेशर फोर्थ इंजीनियर की क्रिटिकल जॉब्स क्या होती है उन क्रिटिकल जॉब्स की यहां पर लेक्चर्स प्रोवाइड की गई है लाइक बॉयलर फ्यूल ऑयल चेंज ओवर ऑक्सिलरी इंजन फ्यूल ऑयल चेंज ओवर गेटिंग यूर नोट हाउ टू स्टार्ट ऑक्सिलरी जनरेटर्स बिल्ज सिस्टम एंड ब्लास्ट एंड डिब्लास्ट ऑपरेशन इन कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो यह आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव कोर्स है एंड प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंफॉर्मेटिव है और मिसलिनियस सीरीज इसलिए भी कंडक्ट की गई है सो so दैट जब आप ऑनबोर्ड शिप जाओगे तो वहां पर आपकी जॉब्स पता होगी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी आपको अगर जॉब्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी तो आप अपनी फुल एफर्ट दोगे फुल एफर्ट दोगे तो अच्छी अप्रेजल जनरेट होगी एक अच्छी अप्रेजल जनरेट होगी तो आप सिप में एक अच्छी रेस्पेक्ट अर्न करोगे तो ये कोर्स डिजाइन की गई है प्लेसमेंट प्लस एक एटलीस्ट एक रेस्पेक्ट जो आप वहां पर गेन कर सकते हो सिप में उसको नजर रखते हुए भी ये कोर्स डिजाइन की गई है एंड समटाइम्स मिस्लिनियस सीरीज से भी इंटरव्यू और क्वेश्चन पूछता है एंड मार्क वर्ड अगर उन क्वेश्चंस का आपने जवाब दिया तो आपकी प्लेसमेंट 95 परसेंट वहीं हो जाती है